मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा, इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1,000 से लेकर 2,00,000 रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड, अपने आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, तो किसी प्रकार के बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली। और यहाँ पे आपको लोन जब भी अप्लाई करना है, जब आपको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, बेवजह आपको लोन अप्लाई नहीं करना। अगर आप बेवजह लोन के लिए अप्लाई करेंगे, रिपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाएंगे, आपका सिविल भी खराब हो जाएगा और आपको काफी सारी फोन कॉल भी यहाँ पे आ सकती है। अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे जो अप्रूवल मिला है, पूरे 36,000 रुपए का मुझे यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। देखो अगर आपको भी पैसों की यहाँ पे इमरजेंसी पड़ चुकी है ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पे हो सकती है। देखो मैं इस एप्लीकेशन पे काफी टाइम से लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं काफी सारे एप्लीकेशन पे भी लोन के लिए अप्लाई करता रहता हूँ और जैसे मैं किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, इंस्टेंट मेरा लोन यहाँ से अप्रूवल हो जाता है। अगर आपका लोन वहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हैं, आपको लोन यहाँ पे नहीं मिलता, तो ये वीडियो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लोन को अप्रूवल करवा सकते हैं, कौन सी ट्रिक आप यहां पे लगा सकते हैं कि जिससे आपका भी लोन यहां से अप्रूवल हो जाए। तो यहां पे देख सकते हैं कंपनी यहां पे मुझे कह रही है कि आप फ्रॉम रिसीव द मनी, आप इस लोन को अपने बैंक खाते में रिसीव कर सकते हैं। रिसीव करने से पहले मैं आपको बता दूं यहां पे सिंपल से 2 स्टेप को फॉलो करना है। अब जो 2 स्टेप को कौन से फॉलो करना है, तो वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे लिखा चेक एलिजिबिलिटी, सबसे पहले आपको अपने लोन को ना चेक एलिजिबिलिटी को चेक करना है और उसके बाद जो मनी है दूसरे स्टेप में आप अपने बैंक खाते में इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो हमें किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, हमारे को उसकी कोरी थोड़ी बेसिक जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि एप्लीकेशन है आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, उसके बाद हमें लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर पर यहाँ पे लेकर चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पर आ गया, मैंने एप्लीकेशन को भी ब्लर कर दिया। आगे चल के मैं आपको बता दूंगा एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते, एप्लीकेशन का नाम देख के लोन के लिए अप्लाई करते हैं और जिनको लोन अप्लाई करने का नहीं मालूम होता, इंस्टेंट उनका आगे चल के लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देख लेना है, उसके बाद आप जाके आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन आपको क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ओटीपी आने के बाद आपको अगले वाले पेज पे आ जाना है। जैसे ओटीपी आएगा आप ये वाले पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्टार्टिंग ऑप्शन मिलेगा, आप 60,000 रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। आपको सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करना है, चेक एलिजिबिलिटी, सेकंड स्टेप में आपको केवाईसी करनी है, थर्ड स्टेप में जो मनी है सीधा आपके बैंक खाते के अंदर आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको गेट मनी वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले बेसिक जानकारी यहाँ पे दे देनी है। बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे क्या देनी है, सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है, पैन नंबर आपको डाल देना है, आपको फुल नेम यहाँ पे डाल देना है। नीचे आने के बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सिलेक्ट करना है आपको जो लोन है किस पर्पस के लिए आपको यहाँ पे लोन चाहिए, आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी आपको पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नीचे आ जाना है, नीचे आने वाले आपको फैमिली डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। फैमिली डिटेल डालने के बाद आपको नीचे फादर नेम यहाँ पे डाल देना है। फादर नेम डालने के बाद आपको नीचे इस चेक पे क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, 1 से 2 मिनट के अंदर ही जो लोन का ऑफर है वो आपके सामने यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ आपका एड्रेस यहाँ पे निकल के आ जाएगा, अपने एड्रेस को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको उसको चेक पे क्लिक करना है, आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप यहाँ पे काम क्या करते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है सैलरी पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड या नॉन एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हमें सेल्फ एम्प्लॉयड तो आपको बीच वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद इस चेक वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रोस मंथली इनकम, आपकी जो 1 महीने की इनकम है वो यहाँ पे कितनी है। तो यहीं पे काफी लोग यहाँ पे गलती करते हैं, आपको कम से कम 25,000 रुपए की इनकम यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पे मैंने 25,000 रुपए की इनकम डाल दी, उसके बाद आपको नीचे आना है, आपको इस चेक पे क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आपको दोबारा से थोड़ा सा वेट करना है, पूरे जो लोन का ऑफर है आपके सामने यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 36,000 रुपए का मुझे लोन का ऑफर यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब इसको बैंक खाते में कैसे लेना है, कितना आपको ब्याज लगने वाला है, कितने आपके बैंक खाते में आने वाले, कितना आपको ईएमआई का टाइम मिलने वाला है, इसको लेने के लिए आपको करना है कि आपको ऐड बैंक वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कैसा पेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे 36,000 रुपए का मेरा लोन यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है। अब जो मेरे बैंक खाते में आएंगे 32,152 रुपए मेरे बैंक खाते में यहाँ पे आ जाएंगे। मुझे जो रिपेमेंट करनी है 36,533 रुपए की
मुझे यहाँ पे रिपेमेंट करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ आपके सामने, यहाँ पे लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है एनुअल परसेंट रेट 1% पर एनम के हिसाब से आपको लगेगा 163.51% के हिसाब से। आपको इंटरेस्ट लगा सिर्फ 18% का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप किसी और अप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जैसे 36% का, 42% का। पर इस अप्लीकेशन का जो ब्याज है ना सिर्फ 18% का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे खाते में कितने आएंगे, कितना हमारे को EMI का सेम यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो अप्रूवल अमाउंट है ना, 36,000 का हमारा अप्रूवल अमाउंट है। एनुअल परसेंटेज रेट हमारे को यहाँ पे इतना लगेगा। नीचे आएंगे आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 3261 रुपये। आपको GST देनी पड़ेगी यहाँ पे 586 रुपये। आपको डॉक्यूमेंट अमाउंट, आपके जो डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट जो आपके बैंक खाते में आएगा 32,152 रुपये आपके बैंक खाते में यहाँ पे आ जाएंगे, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट आपको देना पड़ेगा 533 रुपये, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल सिंपल इंटरेस्ट आपको 18% पर मंथ के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। हिप रिपोर्ट आपको लगेगी यहाँ पे 699 रुपये। टाइम आपको मिलेगा सिर्फ 1 महीने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई सिर्फ 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आपको जो रिपेमेंट करनी है 36,533 रुपये की आपको रिपेमेंट यहाँ पे करनी है। अब आपको कितना ब्याज लगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 32,152 रुपये आपके बैंक खाते में आ जाएंगे और 36,533 रुपये की आपको रिपेमेंट करनी है। तो भाई 32, 33, 34, 36 मतलब कि यहाँ पे 4,500 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा 1 महीने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे अप्लीकेशन देख सकते हैं, अप्लीकेशन आपको लोन तो दे रही है पर यहाँ पे तो अप्लीकेशन आपको लोन तो प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई इस अप्लीकेशन ने 36,000 रुपये का लोन दिया है, 32,152 रुपये बैंक खाते में आ जाएंगे, रिपेमेंट आपको करनी है 36,533 रुपये की, सिर्फ 1 EMI का ऑप्शन यहाँ पे मिला है। तो भाई 1 EMI का ऑप्शन कौन पे कर पाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 30 दिन का यहाँ पे टाइम मिला है, 30 दिन के अंदर हमें इसकी यहाँ पे रिपेमेंट करनी है। तो भाई कोई भी इस अप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करेगा, अगर उस बंदे को 1 महीने का टाइम मिलेगा तो कौन कैसे रिपेमेंट कर पाएगा? आगे चल के अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाओगे आपको हो सकता है कि सिबिल भी खराब हो जाए और आपको काफी सारी फोन कॉल्स भी यहां पे आ सकती है। तो यहां पे मैं आपको पहले से एक चीज का और क्लियर कर दूं। देखो, अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको अपने EMI का टेनवर यहां पे चेक कर लेना है। देखो, अगर आपको EMI का टाइम यहां पे ज्यादा मिलता है तो आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे मैंने आपके सामने लोन अप्लाई करके दिखाया, पर जैसे मैंने लोन के लिए अप्लाई करा पर मुझे यहां पे 1 महीने का यहां पे ऑप्शन मिला है। तो यहां पे देख सकते हैं सिर्फ 1 महीने का मुझे यहां पे ऑप्शन मिला है। तो यहां पे देख सकते हैं RBI के हिसाब से ये RBI के जो रूल रेगुलेशन है उसको यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई अगर कोई बंदा यहाँ पे 36,000 रुपये का लोन अप्लाई कर देगा, अगर आप उसकी रिपेमेंट 36,000 रुपये की रिपेमेंट करनी है, अगर टाइम पे रिपेमेंट नहीं करेंगे सिबिल स्कोर भी खराब हो जाएगा और आपको आगे चल के काफ़ी सारे फोन कॉल्स भी यहाँ पे आ सकती है। तो आगे चल के आपको काफ़ी सारे फोन कॉल्स भी यहाँ पे आ सकती है। अगर मेरी ये वीडियो अप्लीकेशन मतलब कि ये वीडियो अप्लीकेशन वालों के पास जाती है तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे कौन कैसे 1 महीने के अंदर यहाँ पे कर पाएगा। काफ़ी लोग तो क्या करेंगे भाई, लोन अमाउंट उठा लेंगे और रिपेमेंट वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, काफ़ी दिक्कत का सामना भी उनको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपको लोन अप्लाई करना तो सोच समझ के यहाँ पे लोन अप्लाई करना। अगर आपको EMI का ऑप्शन ज़्यादा सारा मिलता है तो आपको इस एप्लीकेशन की तरफ जाना है, वरना मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो बना रखी है, वहाँ से जाके आपको EMI के ऊपर काफ़ी सारे लोन के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्या RBI से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे चल के यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसकी रेटिंग को चेक कर सकते हैं। इसकी रेटिंग तो काफ़ी अच्छी रेटिंग है भाई, 4.6 की रेटिंग है और 50,00,000 प्लस इसके पे डाउनलोड है। पर किस वजह से एप्लीकेशन ने सिर्फ 1 महीने का यहाँ पे समय दिया है? अब यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे एप्लीकेशन को प्रोवाइड यहाँ पे कौन कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ट्रेंड फिनिया प्रोवाइड इंस्टेंट क्रेडिट एंड द स्मॉल बिजनेस लोन, RBI रजिस्टर्ड NBFC ट्रेंड फिनिया ऑफर एंड द इंस्टेंट लोन इन द 5,000 से लेकर 60,000 रुपये का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट आपको 14% से लेकर 28% का यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो, एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन कर रखा है RBI रजिस्टर्ड NBFC पर हमारे को यहाँ पे EMI का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिला भाई, सिर्फ 1 महीने का ही हमारे को यहाँ पे EMI का ऑप्शन यहाँ पे मिला है। आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 8% के यहाँ पे हिसाब से। तो नीचे आपको आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको काफी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपकी एज 21 साल प्लस है आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके 12,000 से लेकर 15,000 रुपये की इनकम यहाँ पे होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ एक आधार कार्ड, एक आपको यहाँ पे पैन कार्ड, यहाँ पे 100% डिटेल प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं किसी प्रकार से
कोई भी दिक्कत है ईमेल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, साथ में आप यहाँ पे कस्टमर केयर से बात भी यहाँ पे कर सकते हैं। भाई सारा कुछ तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा, पर ये नहीं पता चला एप्लीकेशन ने किस वजह से सिर्फ हमारे को एक मंथ का यहाँ पे समय दिया है। ऊपर की तरह आएंगे, एप्लीकेशन यहाँ पे 26 जून 2020 को आई थी, 3 साल एप्लीकेशन को यहाँ पे हो चुके हैं। एप्लीकेशन का नाम और मैं आपको आगे चल के यहाँ पे बता दूंगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोन को आसानी से यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं।